ओके, तो शुरू करते हैं। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन है 2020 गेट मैथमेटिक्स का, ठीक है। इसमें बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, तो मैं एक बार डिस्प्ले कर दूं। क्वेश्चन नंबर 45 एंड क्वेश्चन नंबर 46, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग एक बार देखिए। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो आपका है अर्गुमेंट प्रिंसिपल पे बेस्ड, ये वाला, और सेकेंड है जो कोसी रेसिड्यू थ्योरम पे बेस्ड है। ओके, सेकेंड थिंग कहा जाए तो दोनों ही बाइंडिंग नंबर का क्वेश्चन है, तो दोनों को मैं साथ में कराऊंगा। बाइंडिंग नंबर मतलब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे बाइंडिंग नंबर 2 है, यहाँ पे देखिए तो बाइंडिंग नंबर 3 है। कैसे आइडेंटिफाई किया, यहाँ पे 2 लिखा हुआ, यहाँ से आइडेंटिफाई कर लिया, और यहाँ पे 3। बाइंडिंग नंबर का कंसेप्ट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के रेगुलर क्लास में डिस्कस किया हुआ है, सो उसको यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूंगा। जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे बाइंडिंग नंबर 2 हो जाएगा, यहाँ बाइंडिंग नंबर 3 हो जाएगा। ओके, बाइंडिंग नंबर क्या होता है, जस्ट मैं एक शॉर्ट रिकॉल करा दे रहा हूँ। एक पॉइंट हो गया, इसके अराउंड अगर मैंने एक कंप्लीट सर्कल लगाया तो एक बाइंडिंग नंबर होगा, अगर दो कंप्लीट सर्कल लगाया तो 2 बाइंडिंग नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक कंप्लीट सर्कल कितना में लगता है, 2 पाई में। ओके, फिर दो कंप्लीट सर्कल कितना में लगेगा, 4 पाई में। तो अगर आपको 4 पाई दिया है, इसका मतलब हुआ दो कंप्लीट सर्कल लगा रहा है। ओके, तो एक बार हम सोल्यूशन करते हैं इसका कि कैसे सोल्व होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक FZ दिया हुआ है, ओके, और कर्व दिया हुआ है, और T का रेंज दिया हुआ है। तो पूछ रहा है इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन समथिंग होगा, जो भी होगा कैलकुलेट करने के लिए, वहां से फिर हम इसको इक्वेट कर देंगे। यहाँ पे मोस्टली लोग क्या गलती करते हैं, इस वाइंडिंग नंबर का कंसेप्ट भूल जाते हैं। ओके, एनीवे हम करते हैं। ये ना एक ट्रिक है, ट्रिक क्या है, आप ये देखिए, जब नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर हो कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो इसका सीधा सा फॉर्मूला हो जाता है 2 पाई आयोटा इंटू n-p। अब यहाँ पे n और p क्या है, तो n जो है नंबर ऑफ जीरो इनसाइड दिस रीजन ऑफ दिस फंक्शन, एंड p है नंबर ऑफ पोल्स इनसाइड दिस रीजन ऑफ दिस फंक्शन। बस यही है, अगर आपने नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ पोल्स निकाल लिया इस फंक्शन का, तो वो इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे कंपेयर करेंगे, अल्फा जो भी होगा वो आ जाएगा। बट यहाँ पे एक चीज देखिए, ए आपका 2 क्या है, वाइंडिंग नंबर, तो आपको वाइंडिंग नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम एक कर मतलब एक जो भी क्लोज कर रहे थे, एक बार इसके अंदर निकाल लिया। वाइंडिंग नंबर 2 है मतलब ये सेम चीज 2 बार रिपीट किया, तो एक मतलब इसका मतलब हुआ कि अगर एक वाले में कैलकुलेशन हमने किया तो 2 राउंड हुआ, तो इसमें 2 बार सेम थिंग होगा, तथा 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, दैट इज वाइंडिंग नंबर, ठीक है। ओके, तो अभी हमको क्या करना है, पहले इसको हम एक्सपेंड करके देख लेंगे कि ए एक पॉलीनोमियल है क्या। आप पॉलीनोमियल दिख रहा होगा ना, आप एन इक्वल टू 1, एन इक्वल टू 2, एन अप टू 17 तक इसको एक्सप्लोर करेंगे। इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो जेड इक्वल टू सॉरी एन इक्वल टू 1 रखने पे क्या हो जाएगा, π/1, फिर 2 रखने पर z-π/2, 3 रखने पर z-π/3। इस तरह से ए हमारा एक पॉलीनोमियल पता चल गया। ओके, जैसे मैंने बोला था एक आर्गुमेंट प्रिंसिपल पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो एक बार हम लोग आर्गुमेंट प्रिंसिपल को रिकॉल करा ले रहे हैं। क्या जो मैंने थोड़ा देर पहले रिजल्ट बताया वही आपका आर्गुमेंट प्रिंसिपल है। रिकॉल द आर्गुमेंट प्रिंसिपल, जो मैंने थोड़ा देर पहले बताया कि अगर हमें इस टाइप से दिया रहता है तो ए जो हो जाता है इसका वैल्यू n-p। तो आपको अगर कहीं भी क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स में इस टाइप से दिख जाए तो डायरेक्टली आप ये चीज कर देना, और ये 2 पाई आयोटा इधर जाके मल्टीप्लाइड होगा, ठीक है। तो ए हो गया हमारा आर्गुमेंट प्रिंसिपल, np मैंने ऑलरेडी बता दिया, तो ज्यादा टाइम ना लेते हम आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे ये जो हमारा गामा था, ठीक है, गामा क्या था, e^2iωt। ओके, मतलब एक सर्कल है विद वाइंडिंग नंबर 2। ओके, तो एक सर्कल मान लीजिए इस टाइप से होगा। ओके, और r=1 हो जाएगा, वाइंडिंग नंबर 2 हो जाएगा, r=1 मतलब यहां तक जाएगा। सेकेंड थिंग, हमें ये देखना होगा कि इसके अंदर इसके कितने, अच्छा एक चीज देखिए, ये FZ क्या है, एक पॉलीनोमियल है ना, तो पॉलीनोमियल इसका मतलब इसका कोई भी पोल नहीं होगा, कोई भी पोल नहीं होगा, तो हमने क्या किया था, n-p यही किया था ना, तो कोई भी पोल नहीं होगा मतलब नंबर पोल क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब हमें सिर्फ क्या निकालना है, ये n ही निकालना है ना, क्या, दैट इज नंबर ऑफ जीरो। तब इसका तो जीरो कितने हो जाएंगे, टोटल 17 हो जाएंगे। तो अब हमें ये देखना है कि कितने जीरो इस रीजन के मतलब इस सर्कल के अंदर लाई कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो z=, अगर हम पाई रखेंगे तो ये रेडियस तो 1 है, तो इसका पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3.1, ये भी बाहर हो गया। π/2 रखेंगे तो 1.57 समथिंग होगा, ये भी बाहर हो गया। π/3 रखेंगे
तो ग्रेटर देन वन ही कुछ है तो ये भी बाहर हो जाएगा। बट अब इसके बाद के जितने नंबर हैं मतलब पाई बी फोर पाई बी फाइव सारे इसके अंदर इस सर्कल के अंदर लाई कर जाएंगे। दैट इज पाई बाई फोर से लेकर पाई बाई सेवनटीन तक सब इसके अंदर लाई करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, तो ये हो जाएंगे एन इजक्वल टू 17 माइनस, ये 3 पॉइंट प्रॉब्लम कर रहा है ना, मतलब ये तीनों इसके अंदर लाई नहीं कर रहा, तो इसको 3 माइनस कर दीजिए आपका हो जाएगा टोटल 4। ओके सॉरी 14, ये टोटल 14 जीरो हो गया जो इसके अंदर लाई कर रहा है। तो हमने क्या किया था, यहाँ पर डायरेक्टली रख दो 14 माइनस 0 और बस। ओके अब यहाँ पे कितना है, ये वाइंडिंग नंबर कितना था, 2 था ना, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो कितना हो जाएगा 28। ओके इसको क्विकली देखते हैं, ठीक है यहाँ पे हम आ गए, तो हमारे पास आ गया 2 पाई आयोटा, 2 पाई आयोटा जो इधर था इसको दूसरे साइड जाकर मल्टीप्लाई कर दिया 14 माइनस 0, और वाइंडिंग नंबर 2 था सो हमने 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो फाइनल सोल्व करने में कितना है 56 पाई आयोटा। ओके 56 पाई आयोटा, और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, इक्वल टू अल्फा पाई आयोटा। तो आपको क्या करना है, 56 पाई आयोटा को अल्फा पाई आयोटा से कंपेयर कर देना है। अब यहां से आप देखेंगे कि अल्फा के प्लेस पे 56 है अगर बाकी सब सेम है, तो इसका मतलब हुआ कि 56 आपका करेक्ट आंसर होगा। सो इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 56। अच्छा सिमिलर क्वेश्चन है सेकंड वाला, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 यही था ना कि गामा एक कर्व दिया हुआ था, टी का कुछ रीजन दिया हुआ था एंड ए इंटीग्रेशन दिया था। एक क्वेश्चन है आपका कोसी रिजिडिटी थ्योरम पर बेस्ड है। ओके तो कोसी रिजिडिटी थ्योरम क्या था, कुछ एक बार हम लोग क्विक रिव्यू कर लेते हैं। वो था कि हमें एफ जेड फाइंड आउट करना है किसी रीजन सी मान लेता हूं। ओके इसमें तो ए डायरेक्टली होता था 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यू, ठीक है, तो ए हमारा कोसी रेजिड्यू थ्योरम था। ओके इसमें क्या करेंगे, पहले हम एफ जेड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंपलीफाई हमें रेजिड्यू फाइंड आउट करना है, मतलब सिंपली 1/z का कोफिशियंट फाइंड आउट करना है। तो पहले क्या करेंगे ना, इसको सिंपलीफाई करके यहाँ से 1/z का कोफिशियंट देखेंगे, 1/z का कोफिशियंट देखते हैं हमारा काम आसान हो जाएगा। ओके तो यहाँ पे एफ जेड हमारा ये हो गया, अब एफ जेड हो गया इसको एक्सपेंड करेंगे। अच्छा एक्सपोनेंशियल का आपको एक्सपेंशन पता होगा, ई के पावर एक्स क्या होता है 1 + x + x² / 2 × (+x³/3) ऐसे ऐसे करके। ओके अब ये e टू पावर जेड माइनस वन है, मतलब x के जगह जेड और इधर माइनस वन, ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ इतना वाला टर्म बचेगा। ओके तो इसका एक बार एक्सपेंशन करते हैं, फॉर्मूला नोट डाउन हो गया, एफ जेड मैंने नोट डाउन कर दिया। सेकंड थिंग, अब जो मैंने एक्सपेंशन बोला तो एफ जेड को e टू जेड माइनस वन को एक्सपेंड कर दिया, तो इतना हो गया। अब ये पहला वन और माइनस वन वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा (z + z²/2) + (z³/3) इस तरह से बचेगा। ओके इस स्टेप से, अब यहाँ पे देखिए जेड कॉमन है ना, तो तीनों में से जेड को बाहर ले लीजिए, सभी में से जेड में जेड को कॉमन बाहर लीजिएगा, तो बाहर में क्या हो जाएगा (z³) हो गया, तो ये हमारा (z³) अंदर में क्या हो जाएगा 1 + (z²/2) + (z²/3) + (2)। ओके नेक्स्ट, अब आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला रिकॉल करिए, ये कुछ देखिए 1 + something दिख रहा था, एक फॉर्मूला आप जानते होंगे 1 + x² इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस वन हो जाएगा, इस टाइप से लिख सकते हैं। और इसका एक्सपेंशन क्या होता है 1 - x + (x²/2) - (x³/3) इस टाइप से चलते जाता है। तो इसको 1 और इस पूरे को एक चीज मानते हैं, तो अब इसका पूरा एक्सपेंड कर देंगे तो इस तरह से हमारा एक्सपेंशन इजिली हो जाएगा। इसको 1 और इस बाकी को माना तो हमारा 1 + x² टाइप का होगा, इतना हो गया। अब इसका एक्सपेंशन करेंगे तो पहला + दूसरा (+), पहला - दूसरा (+), तीसरे का स्क्वायर इस टाइप से कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके अब मैंने क्या बोला था कि हमें रेजिड्यू के लिए 1/z का कोफिशियंट देखना होगा, तो 1/z का कोफिशियंट मतलब अब इसका पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तब ना, तो अभी हम क्या करेंगे ना, हायर जो ऑर्डर्स हैं उनको निग्लेक्ट कर देंगे। क्यों निग्लेक्ट करेंगे मैं दिखा रहा हूं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/z³ होगा, कोई फायदा नहीं, हमें किसका कोफिशियंट देखना है 1/z का। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/z² कोफिशियंट मिलेगा, तो भी कोई फायदा नहीं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/z का कोफिशियंट मिलेगा, हाँ तब यहाँ पे बात बन जाएगा। तो इसका कोफिशियंट कितना हो जाएगा 1/3 × बाहर में माइनस है तो माइनस कोफिशियंट के साथ। ओके अब इसका आते हैं, इसको एक्सपेंड करेंगे तो a² + b² + c² पहले का स्क्वायर
प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस जो भी होगा सारे का स्क्वायर होते जाएगा, फिर टू टाइम्स होते जाएगा। तो हमें तो मेनली वन बाई जेड का कोफिशिएंट देखना है ना। ओके अब इसमें देखिए, इसका अगर हम इस जेड स्क्वायर मैं नीचे डिस्प्ले कर देता हूँ थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पहला को एजिट रहने दिया, ए हो गया। सेकेंड मैंने इसको एक्सपेंड किया होल स्क्वायर वाले टर्म पे, तो पहला का स्क्वायर दूसरा का स्क्वायर इस तरह शोन चला जाएगा। हायर ऑर्डर को आपको निगलेक्ट कर देना है। ओके हमें वन बाई जेड का कोफिशिएंट देखना है, तो वन बाई जेड का कोफिशिएंट देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन होगा तो वन बाई जेड क्यू का कोफिशिएंट मिलेगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन होगा तो वन बाई जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट मिलेगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन होगा तो वन बाई जेड का कोफिशिएंट मिलेगा। तो हमें वन बाई जेड का ही चाहिए था ना, तो इसका कोफिशिएंट ले लीजिए कितना हो जाएगा माइनस वन बाई थ्री फैक्टोरियल। तो यहाँ पे मैंने एल ले लिया, फिर इधर बाकी छोड़ दीजिए क्योंकि अब आगे क्या, फिर जेड क्यू होगा, जेड क्यू से जेड क्यू कट जाएगा, फिर इधर जेड फोर होगा, तो आपको वन बाई जेड का कोफिशिएंट नहीं मिलना। अब इस नेक्स्ट टर्म में आइए, अब इसमें आइएगा, अब इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वन बाई जेड का कोफिशिएंट मिल जाएगा, कितना हो जाएगा वन बाई टू स्क्वायर। ओके वन बाई टू फैक्टोरियल का स्क्वायर, ठीक है, तो वन बाई टू फैक्टोरियल का स्क्वायर कर दिया। फिर अब इसका इसके साथ करेंगे तो ए जेड का कोफिशिएंट मिलेगा ना कि वन बाई जेड का। अब आगे करेंगे तो सब हायर ऑर्डर ही है तो सबको छोड़ दीजिए, तो बस आपका यहाँ से इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट लेना है, वही सम कर देना है, जो आएगा वही रेजिड्यू हो जाएगा। ओके तो यहाँ पे मैंने ले लिया तो माइनस वन बाई थ्री फैक्टोरियल हो गया प्लस वन बाई टू फैक्टोरियल का होल स्क्वायर हो गया। ओके तो थ्री फैक्टोरियल मतलब वन बाई सिक्स और इधर टू फैक्टोरियल का स्क्वायर मतलब फोर, तो फाइनली होगा माइनस वन बाई सिक्स प्लस वन बाई फोर। इसको सिंप्लीफाई करने पे हमारा आ जाएगा वन बाई ट्वेल्व। ओके तो ये हो गया हमारा सम ऑफ रेजिड्यू। फॉर्मूला में फिट कर दीजिए जो थोड़ा देर पहले हमने फॉर्मूला शो किया था। फॉर्मूला क्या था एक बार फिर से मैं रिकॉल करा दे रहा हूँ। फॉर्मूला था टू पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यू। ओके यहाँ पे भी वो वाइंडिंग नंबर वाला कंसेप्ट मत भूलिएगा, वाइंडिंग नंबर बहुत जरूरी है। ओके तो टू पाई आयोटा था, सम ऑफ रेजिड्यू कितना था वन बाई ट्वेल्व जो यहाँ पे हमने सोल्व किया। ओके पूरा कैलकुलेशन कर दिया। अब सेकेंड थिंग बचता है कि हमारे पास वाइंडिंग नंबर क्या है, तो यहाँ पे वाइंडिंग नंबर अपना कितना है थ्री, तो डायरेक्टली आपने थ्री फिट किया, तो इस पूरे को जो कैलकुलेशन आया इसको आप थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो भी आया इसको हमने थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया, सोल्व करने के बाद पाई आयोटा बाई टू आ गया। ओके अब यहाँ पे भी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था वहां पे अल्फा पाई आयोटा था, यहाँ पे बीटा पाई आयोटा है, यहाँ पे फिर हमें वही कंपैरिजन करना है, वही कंपैरिजन करना है तो कर दीजिए कंपैरिजन, ठीक है। तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे कंपैरिजन ही है ना इक्वल टू हो जाएगा बीटा पाई आयोटा। ओके तो बीटा पाई आयोटा तो बीटा इक्वल टू यही हो गया, तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से देखे तो आपका वन बाई टू, ठीक है वन बाई टू हो जाएगा, तो वन बाई टू दैट इज जीरो पॉइंट फाइव। क्वेश्चन में आपको पूछा हुआ करेक्ट अप टू वन डेसिमल पॉइंट, तो करेक्ट अप टू वन डेसिमल पॉइंट पॉइंट फाइव, ठीक है। ओके तो यहाँ से आपका 0.5 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, थैंक यू।